Hi, let's make tasty paneer sandwich. पनीर सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये सामान ले लिया है, पनीर, प्याज, कैप्सिकम, बेल पेपर, और अब बाकी जो वे चीज़ें आपको अगर पसंद हो तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम पैन, पैन में डालेंगे बटर और स्लाइस डाल देंगे यहाँ पे पनीर का। मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। आज का जो ये पनीर सैंडविच है ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार होता है, तो आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत कम समय में हमारा बनके ही तैयार हो जाता है। पनीर को हमें दोनों तरफ फ्राई कर लेना है, कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक हम इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स और नमक। मुझे चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं पसंद तो मैं इसमें बहुत कम डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद हो फ्लेवर के लिए तो आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर कलर आ गया है, इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। इसी पैन को हम क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, डालेंगे एक ग्रेट किया हुआ गार्लिक, मेरा गार्लिक थोड़ा यहाँ पे बड़ा था तो आप चाहे यहाँ पे दो गार्लिक भी चॉप करके ले सकते हैं, डाल लेंगे यहाँ पे अनियंस और एक मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे सॉटे नहीं करना है। और डाल लेंगे यहाँ पे बेल पेपर और कैप्सिकम और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम लो मीडियम करके। हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो इसका फ्लेवर चला जाएगा, जो इसका क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं आज का जो ये स्नैक्स है, आज का जो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बन के तैयार हुआ है, तो आपको देखने के साथ साथ ना खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हम नमक, 2 से 3 मिनट के लिए और इसे सॉटे कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे अब एक प्लेट में। ले लेंगे हम ब्रेड का स्लाइस, डाल लेंगे हम टमाटो केचप, आप चाहे तो यहाँ पे मेयोनीज या फिर धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। रख देंगे पनीर का स्लाइस, डाल लेंगे यहाँ पे बेल पेपर जो हमने यहाँ पे फ्राई करके रखे थे। आज की जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है, तो आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम ब्रेड को कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो इसे बिना फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे बिना फ्राई करे भी खा लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह सुबह अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो, इस तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में आप बना के तैयार कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और देखिए बन के तैयार हो गया। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।